जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। आए दिन वो भारत को नीचा दिखाने के लिए नई नई पैंतरे अपना रहा है। हाल ही में सामने आया है कि अब पाकिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए 2000 के नकली नोट सप्लाई कर रहा है। 2000 रुपए के नए नोट की ताजा खेप की जब्ती ने हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। बता दें, नकली नोट तैयार करने वाले पाकिस्तानी सिस्टम ने 2000 रुपए के नकली नोट की हूबहू नकल बना ली है, जो बिना सरकारी मदद के मुमकिन नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि ये नकली नोट पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस से छपकर भारतीय बाजार में भेजे जा रहे हैं। 2000 के इन नकली और असली नोट के बीच अंतर करना काफी मुश्किल हो गया है। जांच में सामने आया है कि कराची के मलीर हॉल्ट इलाके में स्थित पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में छापे जा रहे इन जाली नोट में पहली बार ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया गया है। इस इंक की खासियत है कि ये नोट पर हरे रंग की दिखाई देती है। नोट को ऊपर नीचे करने पर स्याही का रंग बदलकर अपने आप नीला हो जाता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले तक पकड़े गए जाली नोटों में इस इंक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बता दें, ये खास किस्म की इंक एक विदेशी कंपनी बनाती है, जिसकी आपूर्ति कुछ गिने चुने देश में ही होती है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में भारत की नकली करेंसी छापी जा रही है। वहीं इन्हें भारत में सर्कुलेट करने के लिए मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ली जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि भारत में प्रचलित नई करेंसी, जिसमें खासतौर से 2000 और 500 के नोट शामिल हैं, उनके नकली नोट छापे जा रहे हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुमार सिंह कुशवाहा की अगुवाई में सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह की टीम ने 24 अगस्त को दिल्ली के नेहरू प्लेस से डी कंपनी के एजेंट असलम अंसारी को धर दबोचा। असलम अंसारी से 2000 के नोट की करीब 5.5 लाख जाली इंडियन करेंसी जब्त की गई है। बरामद किए गए नोट एकदम असली लग रहे थे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया।